नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ से नजीबाबाद तक हो रहे हाईवे निर्माण में बहसुमा से बिजनौर तक हाईवे निर्माण कर रही केआरसी इंफ्रा कंपनी द्वारा पुलों में लगाए जा रहे प्लास्टिक और फाइबर के सरी के विरोध में मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर उमेश सिंह ने काम रुकवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासी शांत हो गए थे। परंतु मंगलवार की देर रात को ही कंपनी ने पुल पर कंक्रीट का काम करा दिया था, जिस पर क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए थे। क्षेत्रवासियों ने परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मामले की शिकायत करने की बात कही है। दूसरे फेज में बहसुमा से बिजनौर तक का टेंडर केआरसी इंफ्रा कंपनी को दिया गया है, जिससे कंपनी द्वारा निर्माण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। कंपनी द्वारा भराव के लिए मिट्टी की जगह टिकोला शुगर मिल की राख से भराव किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। परंतु विरोध के बावजूद भी कंपनी द्वारा राख डालकर ही भराव कर दिया गया। कंपनी द्वारा बनाए जा रहे पुलों में कंपनी द्वारा प्लास्टिक व फाइबर के सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत ही कमजोर है, जिससे पुल बनने से पहले ही गिरने का खतरा मंडराने लगा है। प्लास्टिक और फाइबर के सरिये डालने का विरोध करते हुए मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने पुल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर उमेश सिंह ने काम रुकवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद क्षेत्रवासी शांत हो गए थे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मंगलवार देर रात को कंपनी द्वारा कई गुना ज्यादा लेबर लगाकर उस पर कॉन्क्रीट डाल दी गई, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। रामराज निवासी हुकम चंद शर्मा, हरचंद सिंह, राजू आदि का कहना है कि कंपनी द्वारा बहुत ही घटिया कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों की जान तक का खतरा बना हुआ है। इस मामले में शिकायत राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।